अंडा करी तो आप सबने बहुत खाई होगी, पर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिससे आप फटाफट से अंडा करी बना सकते हैं। तो बहुत ही देखने में, देखिए कितनी अच्छी रंगत है इसकी। तो आइए हम शुरू करते हैं बनाना और फटाफट से बनाएंगे आज हम एग करी। तो हमने 3 अंडे बॉयल करने रख दिए थे और इनको हम बॉयल कर लेंगे। तब तक हम एक ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमने 2 बड़े प्याज, 1 टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ले लिया है। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अंडे बॉयल हो चुके हैं। अब इसमें हम लगा देंगे कट, हल्का हल्का सा कट लगा देना है इसमें हमें। और हमने एक पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है, ये सरसों का तेल है। तो इसमें हम अंडे को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं तो निकाल लेते हैं इन्हें। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे जो हमने प्यूरी तैयार करी थी, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन हरी मिर्च की। अब एक प्लेट में हम ले लेंगे हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और इसी में हम डाल देंगे नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए आप। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें मसालों को मिक्स कर लेना है। और अब हमारी प्यूरी पक चुकी है तो इसमें हम मसाले डाल देंगे। हमने मसाले डाल दिए हैं, इसे अच्छे से चलाते हुए हमें इसे भून लेना है और थोड़ी देर ढक देंगे हम। बीच बीच में मसाले को चलाते जाएंगे ताकि मसाले जल ना जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हमारा मसाला लगभग पक चुका है और मसाले ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे एग्स, अंडे इसमें डाल देंगे हम। और 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको चला देंगे हम अच्छे से, हल्के हाथों से चलाएंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। ये देखिए 5 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। कितनी बढ़िया ग्रेवी बनके रेडी हुई है और अंडा करी हमारी रेडी है। आप इसे राइस के साथ, रोटी या पराठे के साथ खाइए। अब इसको हम गार्निश कर देंगे हरी धनिया के साथ। और फटाफट से रेडी है हमारी अंडा करी। बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।